प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं? ये प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं। प्रोनाउन के टोटल 10 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये टोटल 10 प्रोनाउन के भेद होते हैं। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। ये टोटल पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आते हैं इसका पर्सनल प्रोनाउन, पहला प्रोनाउन का पहला भेद पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद बताएंगे पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये टोटल बाय वन करके टोटल बताएंगे। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है? आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आई वी यू ही सी इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें आता है कि इसके रूप होते हैं अलग अलग, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो इससे पहले एक चीज बता देते हैं कि केस केस कितने प्रकार के होते हैं। तो केस 3 प्रकार के होते हैं, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। अब ये तो नॉमिनेटिव केस पहला हो गया। उसके बाद दूसरा रहती है, ये लास्ट है ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस के 2 भेद होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब इस यहाँ पे रूप लिखा हुआ है आई का, वी का, यू का, ही, सी, इट और दे, टोटल के यहाँ रूप लिखे हुए। तो आई का रूप क्या होता था? आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, नो चेंज, यानी कि ये वाला जो होता है ये नहीं बदलता है, इसलिए नो चेंज, इट। फिर दे, दियर, दियर्स, देम। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन और ऑब्जेक्टिव केस में होता है नी। उसी तरह से फिर वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, ऑब्जेक्टिव केस यू। उसके बाद है ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज और ऑब्जेक्टिव केस हिम। यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन ही का दोनों क्या होगा? ही होगा, बराबर होता है। उसके बाद सी, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स और ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों सेम होता है, ठीक है। उसके बाद है इट, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, पॉजेसिव प्रोनाउन ये रूप नहीं बदलता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नो चेंज, यानी एक क्रॉस कर दिए थे। और ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। फिर उसके बाद लास्ट है दे, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दियर और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है दियर्स और ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। इस तरह से ये पहला पर्सनल प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट, और एक चीज और, पर्सनल प्रोनाउन ये क्या है? प्रोनाउन जो है नाम के बदले आता है, ठीक है, इसलिए प्रोनाउन के जस्ट बाद नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल। तो द प्रोनाउन इज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जिसका काम अधिकार दिखाने के लिए किया जाए, ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाए वैसे शब्द को कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? तो पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकार वाचक कहा जाता है। तो जिसका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है क्या कहा जाता है? पोजेशन, तो इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। द प्रोनाउन इज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन इज टू शो पोजेसिव पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे माइन, आवर, योर्स, हर्स, उसके बाद ये हर्स का सुन होगा, ए सी हर्स, हिज एंड दियर्स, हिज एंड दियर्स, ये सभी क्या है? तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ये इंग्लिश डिफिनेशन है और ये हिंदी डिफिनेशन है। तो जिसको इंग्लिश की ज़रूरत होगा उसके लिए इंग्लिश है और जिसको हिंदी की ज़रूरत होगा उसके लिए हिंदी है।
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, तो बलदायक होता है, ये अधिकारवाचक है, सॉरी ये अधिकारवाचक और ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, तो ये व्यष्टि होता है। तो रिफ्लेक्सिव का ये है कि जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पटना प्रतीत होता है, तो अब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब इंग्लिश डिफिनेशन, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, उसके बाद है योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वेन, कब, वेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कि वो उसका जो असर है खुद कर्ता पर ही होना प्रतीत होता है, तो वैसे सबको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुँचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। सी रिंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। फिर इसके बाद है चौथा, इम्फैटिक प्रोनाउन। अब बताते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है और उसका डिफिनेशन। तो सबसे पहले इम्फैटिक प्रोनाउन का इंग्लिश डिफिनेशन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस। इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या कर रहा है, तो इंग्लिश डिफिनेशन कर रहा है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। इसको इम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है, कब, व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस, यानी उसका क्या किया जाता है कि इसको प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जब नाने प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, यानी बलदायक, इम्फैटिक बलदायक, बल या जोर दिखाने के लिए किया जाता है, वैसे प्रोनाउन को क्या कहता है, इम्फैटिक प्रोनाउन। इसका हिंदी डिफिनेशन, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाम या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, तब वैसे प्रोनाउन को इम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। अब नोट यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला नोट है सिंगुलर के साथ सेल्फ जोड़ा जाता है, सिंगुलर के साथ क्या जोड़ा जाता है, तो सेल्फ जोड़ा जाता है, प्लुरल के साथ सेल्फ से जोड़ा जाता है, लेकिन आवर और देम के साथ सेल्फ जोड़ना गलत होगा। उसी तरह माय, हिम, हर, इट, जैसे इसमें सेल्फ जोड़ना गलत होगा, इसी तरह माय, हिम, हर, इट में सेल्फ से जोड़ना क्या होगा, गलत होगा। तो सिंगुलर में क्या जोड़ सकते हैं, तो सेल्फ जोड़ सकते हैं, जैसे कि हर सेल्फ, हिम सेल्फ, और प्लुरल में क्या जोड़ सकते हैं, सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, और आवर और देम के साथ सेल्फ जोड़ना गलत होगा, माई, हिम, हर, इट के साथ सेल्फ जोड़ना गलत होगा। यू जब अकेला रहेगा एक व्यक्ति की या वस्तु के लिए बोध कराना होगा तब उसके साथ सेल्फ जोड़ेंगे, लेकिन यू जब प्लुरल में रहेगा एक से ज़्यादा का बोध कराने के लिए होगा तब उसके साथ सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। पाँच नंबर है डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डोमेंस्ट्रेटिव का हिंदी होता है संकेत। डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहा जाता है, तो द प्रोनाउन यूज टू, द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द सब ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स टू विच रिफर्स इज कॉल्ड डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये इंग्लिश डिफिनीशन हो गया और ये हिंदी डिफिनीशन हो गया। इंग्लिश में क्या कह रहा है, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इज रिफर्स इज कॉल्ड डोमेस्टेटिव प्रोनाउन। हिंदी में जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं व्यक्तियों
को सूचित इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसको संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिस दैट देज और दोज के जस्ट बाद अगर नाम का प्रयोग होता है तब क्या कहलाता है, डोमेस्टेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब दिस दैट देज दोज के जस्ट बाद यानी जस्ट तुरंत क्या हो उसके साथ नाम का प्रयोग किया गया हो तब वे डोमेस्टेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो एक से लेकर पाँच तक इस वीडियो में, फिर छः से लेकर दस तक अगले वीडियो में बताएंगे।